बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सैन्य संगठन नेटो रूस की सीमा के पास सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल करेगा ताकि पुतिन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दावा किया गया कि ये सैन्य अभ्यास अगले साल फरवरी में आयोजित किया जाएगा जिसमें 41,000 सैनिक शामिल होंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस मिलिट्री ड्रिल में स्वीडन भी हिस्सा लेगा जिसे तुर्की के विरोध की वजह से नेटो में शामिल नहीं किया जा सका। इसी वजह से इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने वाले देशों की संख्या 32 हो जाएगी। बताया गया कि ड्रिल को जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक सागर में आयोजित किया जाएगा जिसमें पुतिन की सेना को मात देने के लिए नेटो के सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से नेटो में शामिल कई छोटे देश सहमे हुए हैं जिनमें कुछ तो सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके हैं और उन्हें रूस के हमले का डर सता रहा है। इसीलिए नेटो इस सैन्य अभ्यास की तैयारी में जुट गया ताकि किसी भी सदस्य देश पर हमला होने पर रूस को मिलकर जवाब दिया जा सके। उधर 27 देशों के संगठन ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों से रूस बुरी तरह तिलमिला गया। पिछले साल शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की वजह से ईयू ने रूस पर कई सख्त प्रतिबंध लगाए थे जिस पर रूस ने कड़ा एतराज जताया और इन प्रतिबंधों को नस्लवादी करार दिया। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यूरोपियन यूनियन पर गुस्सा निकाला क्योंकि बैन के तहत कार, स्मार्टफोन, लैपटॉप से लेकर टूथपेस्ट और टॉयलेट पेपर जैसी चीजें भी रूस किसी देश से आयात नहीं कर सकता। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तो दो टूक कहा कि रूस को यूरोपीय संघ के साथ सारे संबंध तोड़ देने चाहिए। रूस के एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा कि बीते एक साल में ईयू ने रूस के साथ जानवरों जैसा सलूक किया। हालांकि पिछले साल जब ये प्रतिबंध लगाए गए थे तब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह ऐलान किया था कि वो किसी भी कीमत पर पश्चिमी देशों के आगे नहीं झुकेंगे। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक आदमी बाजार के बीचों बीच कुछ लोगों पर तलवार से हमला करता दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक वहां महाकाल मंदिर के पास दो दुकानदारों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था जिसके बाद उनमें एक दुकानदार ने तलवार से दूसरी दुकान पर मौजूद महिला पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक दुकान के बाहर कई लोग खड़े नजर आए। बताया गया कि वहां दो दुकानदारों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया था और उसी झगड़े को देखने के लिए वहां भीड़ जमा हो गई। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद भीड़ के बीच एक आदमी तलवार लहराता दिखाई दिया। वो तेजी से वहां मौजूद लोगों की तरफ बढ़ा और उसने तलवार से उन पर हमला बोल दिया। इसके बाद जो हुआ ब्रेक के बाद।